दूंगा, तो मैं दिखाऊंगा कि पैसे की लीक लगा के हैं। अगर आप सवाद आते हैं तो वहाँ जाके आप फिश ना ट्राई करें तो जल्दी होगी। नहीं बाय द वे सवाद जाने के लिए दो रास्ते हैं, मैं इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेता या फिर पेशावर की। चूँकि मुझे पेशावर जाना है कुछ काम के सिलसिले में, और फिर वहाँ से सवाद का सफ़र सिर्फ 3 घंटे का रह जाता है। एक बार फिर फ़्लाइट है PIA की और सफ़र है सिर्फ 2 घंटे का। सीरियसली, PIA का सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन PIA को ये मील इम्प्रूव करने की सख्त ज़रूरत है। और ऊपर से मील में मौजूद ये 10 रुपये वाला केक, हद है यार। लो जी, आ गया पेशावर। पेशावर एयरपोर्ट, जो बादशाह खान एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसे रेनोवेट करके गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि जो हालत उसके माजी में थे वो नाकाबिले बयां है। खैर, हालत तो कराची एयरपोर्ट के भी कुछ ऐसे ही है। देखते हैं कब हुकूमत वक्त इसके बारे में सोचती है। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन कोई 260 और 250 करीब किलोमीटर है यहाँ से पेशावर से सवाद, जो कि बाया मर्दान होते हुए जाएगा। और मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं फैसल शहजाद साहब।
ओके जी जनाब, मैं इस वक्त सवात पहुंच चुका हूं और मैंने चेक इन कर लिया अपने होटल में। थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि लाइट है नहीं और सब कुछ यूपीएस पे चल रहा है, इसी वजह से इतनी डार्क पिक्चर क्वालिटी आ रही है। तो एनीवेज अब मैं चला ज़रा बाहर लंच के लिए, उसके बाद मजीद बात होती है। रिक्शे में बैठ के जाना पड़ रहा है खाना खाने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए वो ऑनेस्टली बड़ी फिट जगह है। तो मैं पहुँचूँगा तो मैं दिखाऊँगा कि वैसे ही जगह क्या है। अगर आप सवाद आते हैं और वहाँ जाके आप फिश ना ट्राई करें तो जल्दी होगी। ये बाय द वे ये रिक्शा। यहाँ पे खाने में क्या अच्छा है या क्या स्पेशलिटी है? चाइनीज़ नहीं, देसी देसी पता, मटन कढ़ाई और अच्छा फिश। मछली कौन सी है? अच्छा ठीक है। जो बातें मैंने यहाँ की हैं वो आवाम के इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए वॉइस ओवर करना बेहतर समझा। खैर, तशबीह देना मुनासिब तो नहीं, लेकिन समझाने की गर्ज से बताना चाहूँगा। ये जगह किसी हद तक कराची में मौजूद दो दरिया से थोड़ी सी मिलती है, लेकिन फ़र्क ज़मीन आसमान का है। मेरे पीछे जो दरिया है वो नहायत ही साफ और शफाफ है, और इस दरिया का नाम है दरियाए सवात, और ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। और ये पानी बहुत ठंडा है, और ये जनाब पानी आ रहा है कलाम से, और कलाम से आगे पीछे महुडंड, और महुडंड में मुख्तलिफ पहाड़ियों से बारिश और बर्फ़ का पानी है। ये तो आप समझ सकते हैं बहुत ठंडा है, और ये जगह बेहतरीन जगह है। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, आप लोग ज़रूर आएँ, जो आता है ज़रूर आए। पाकिस्तान में देखने वाली जगह हैं ये। सवात में, सवात इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है, लेकिन सवात में ये जगह खाने के लिए, रात को आउटिंग के लिए, डिनर के लिए बेस्ट प्लेस है। किया है मैंने फिश और जनाब चिकन, चिकन बॉडी।